नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, वैसे तो सरकार की अलग अलग स्कीमें और सरकार के अलग अलग उद्घाटन, चाहे वो कहीं पंचायत भवन के अंदर की बात हो, चाहे वो कहीं रैलियों के रूप की बात हो, चाहे वो कहीं किसी प्रकार के और संसाधन की बात हो, यानी यह है कि सरकार अब फित्ते फित्ते काट रही, रिबन पे रिबन काट रही, लेकिन ये है जो पुरानी पुरानी योजनाएं थी उन योजनाओं पे क्या हो रहा, वो पता नहीं क्या हो रहा, लेकिन उन योजनाओं पे मिट्टी डालने का काम हो रहा और नई योजनाओं को सरकार उजागर करके आम आदमी को बस लुभावने वादे देने का काम कर रही, क्योंकि 2024 का चुनाव आ चुका। और वैसे आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बहुत बढ़िया खबर चल रही, सोशल मीडिया पे चल रही, नेशनल मीडिया पे चल रही, वो सूत्रों से खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने दे दिया इस्तीफा, अब नई सरकार का गठन होगा और जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है हरियाणा के अंदर से। अब जिस प्रकार से 2024 की अंगड़ाइयां हैं, उसी प्रकार से आम आदमी अब अंगड़ाई लेने शुरू कर चुका, क्योंकि क्या पता अब उसी अंगड़ाई के अंदर इन आदमियों का भी भला हो जाए और उसी प्रकार से किसी प्रकार से उन लोगों का काम हो जाए। अब पिछले 2016-17 में स्कीम आई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, अब ये गौर दे लो, सारे चेहरे वे लोग हैं जिन्होंने दिन रात करके वो फार्म भरे थे, अब फिर से उस स्कीम को चेंज करके मुख्यमंत्री आवास योजना बनाया और फिर एक स्कीम और चलाई, चिरायु योजना चलाई, फिर पता नहीं क्या क्या स्कीमें सरकार है जो आम आदमी के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, गरीब तकबे के लिए वो लेके आने का काम करती है और सरकार उससे वाह भाई लूटने का काम होता है। लेकिन ये है कि आज वो 16-17 के फार्म भरे हुए लोगों को, आज ये है कि 24 लग चुकी, चुनाव आ चुका, लोकसभा का हो विधानसभा का हो, लेकिन लोग आज भी फिर से कोर्ट परिसर के आगे अधिकारियों को ज्ञापन देने को मजबूर है। अब ये सूरज भान जी है, दो बात इनसे कर लूंगा, बाकी बात मैं इनसे करा दूंगा। नमस्कार। नमस्कार। कैसे आया अजय भाई? मैं आपके इसलिए ये सारे काम करना पड़ रहा है कि सरकार ने 2023 की डेडलाइन दी थी, पहले 2022 रखी थी मोदी सरकार ने कि भी 2022 तक कोई भी बेघर नहीं रहेगा, कोरोना की वजह से ये डेडलाइन 2023 बना दी गई। जब 2023 खत्म होने वाला था, उससे पहले जब लगा कि चुनाव नजदीक है और योजना पे काम नहीं हो रहा, तो इन्होंने एक नई योजना लॉन्च कर दी, मुख्यमंत्री आवास योजना। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवेदन थे वो कहाँ है कुछ नहीं पता। अच्छा, ये वास्तविकता है, मतलब ये वास्तविकता है कि मैं इन परिवारों की काफी न्यूज बनाई है मैंने, बावड़ीगढ़ पे जो चंद्रगढ़ स्कूल के सामने एक परिवार है, वहां पे गया तो वहां पे कुछ भी नहीं था, एक किस्त आई थी, उन्होंने किस्तों ब्याज में पैसे ले लेके तो मकान बनाया था, लेकिन ना तो ब्याज के पैसे पूरे हो पाए, ना ही वो मकान पूरा हो पाया, ना ही वो, बस ये था कि इन लोगों के अब मुंह के अंदर लॉलीपॉप है, वोटों का, नेताओं का और आम कार्यकर्ताओं का। वो भी नहीं है भाई साहब, अब ये दादरी गेट से जो डाणा रोड से है, मैं खुद वहां पर गया हूँ, देखे चार चार पांच पांच फुट नीचे मकान पड़े हुए इनके, तो जो सरकार कह रही भी 50% से ज्यादा काम हो गया योजना पे, किन लोगों को गया वो पैसा गया कहाँ? जो जरूरतमंद है वो तो आज भी वैसे ही है, और जिनके सर पे छत्ती नहीं है, जैसे अब ये है अपने ये नीलम जी, अटेंड कर लो फोन। मेन जो उद्देश्य था सरकार का कि बेघर के छत पे, मतलब छत होनी चाहिए सिर पे, छत होनी चाहिए, जो बेघर है उनके छत पे कुछ है ही नहीं उनके लिए, तो आज भी कुछ नहीं है। मैंने एडीसी ऑफिस में कई बार पता किया, एडीसी ऑफिस में एक बार नहीं, मैं कम से कम 10 बार गया हूँ कि इस योजना पे कब तक काम होगा, कहाँ तक काम हुआ, हाथ खड़े कर देने वाला भाई साहब ये योजना दबी हुई है, कुछ नहीं हो रहा, 1700 पेंडिंग है अपने भिवाणी के केस, जो आवेदन आए थे फ्लैट के, और उस पर कोई काम नहीं हो रहा। चलो माते नमस्ते, आप कहाँ से आए हैं, ये समस्या लेके आए हैं? दादरी गेट से आए हैं जी। अच्छा। मकान के लिए आए हैं। अच्छा, हमारे पे बना का कब भरा था? हमने भरा था जी इसमें लॉकडाउन में। लॉकडाउन में मैं मेरी माता बुझा मेरे जन्मतिथि के है, तो उन्होंने कहा मेरी माँ क्या करा, बेटा उस दिन बूंद आई थी और चंदन रात थी और मंगलवार का दिन था, तो वो काम इनके लिए हो रहा है। अब इनको ये नहीं पता कि मानो फार्म भरा कब था, 16-17 भरा था, 18-19 भरा था, 20-22 भरा था, मकान तो भर रखा है, फार्म तो भर रखा है, कि सरकार को याद भी है, सरकार को सब कुछ है, कोई आया नहीं तो करने के बताए हैं। जो मकान फोड़ फाड़ के बनाया, किस तरह की व्यवस्था? अब आ रहा तो जमा बिल्कुल खड़ा है जी, बिल्कुल डूंगा मकान है मेरा, कुआ पड़ा है जी, कुआ पड़ा है, हाँ जमा नीचा पड़ा है। फार्म भरे थे उसमें कौन थी भी? हमारा बना ना, हमारा फार्म भरया ही कोई नहीं, इन्होंने बना ही कोई नहीं। मेरे पास दो लड़की हैं, दो लड़के। अच्छा, बालक ब्याह दिए? दो छोरी, छोरी ब्याही से, छोरे कुवारी है, बाप गुजर गया। अच्छा, तो क्या कमरा काम चलाओगे? एक क्या कमरा है, ऊपर वो छात पुट्टी पड़ी है चुबारे की। अच्छा,
वो पहले किस्त कास्ट की फार्म पूर्ण भरे उसका किस्त कास्ट की आया ना किम में ना भरया जी हमने तो कुछ नहीं भरया जी कुछ को नहीं हमारा तो कुछ नहीं आया जी माते नमस्ते अपना के रह गया हमने भी जी मकान के फार्म भरे थे सारे आ जाओगे मकानों के फार्म भरे थे उस टाइम पे हमारा बिल्कुल डूंगा पड़ रहा था जी उस टाइम पे भर के आए तो हमारे पैसे नहीं आए हमने तो अब लोन चक चक के ना पैसे भरे बनाया है मकान अपना बांट दे सुनो अब लोन किस तरह चक्के माते वो थोड़ा बताइए ये उज्जीवन बीमा से उठावा जी किस तरह कितने में उठावा लाख रुपए उठावा लाख रुपए उठावा हाँ अब कद मारे ससुर का दावा आंसू 15-20 लाख का पाओ कोने कमरा बड़ा हाँ कमरे बड़ा कोनी है वो लाख ताल के फिर लाख ठाओगे फिर लाख बनावांगे फिर बनाओगे और जी दो साल में वे उतरे है हमारे पे सरकार ने कहा माते मान इतना काम कर दिया गरीबा हाथ रुकनी छोड़ा है कोनी हमारा तो जी कुछ नहीं बने कुछ कोनी करा दी हां तो डोल डोल के पोल बनावा हमारी बिल्कुल सफेद धरती पड़ी है जी मैं विधवा वीर बनी सो आदमी ने मेरे नंबर 20 साल हो गए अच्छा हां आज लग मान नाम भी आ गया था और बैठा रहे नाम आ रहा पूरा पांच चार पांच बराया मां बेटे एक लड़का हम आए उनका ना और जी पैसे मांगा पैसे हम की छदेंगे नु बताओ अच्छा पीछे मांगन लागे पीछे मांगा जी फोटो भी खींच के लाए मारा अच्छा फोटो खींच के था आपका फोटो भी खींच के लाए हमने तो घर में बैठा था लेगे जी ऊंचा चा भी पियाई मैं कहले भाई बाप जी गरीब आदमी आगे सुनाई गलत तो फिर भी सुनाई नहीं होई जी अनवीर बनी ये भी देखो इसने भी ब्याह ठा कर रखा या भी आपने भी क्यों करा माते दो लड़की है इसका दो लड़की है जी अच्छा मैंने फार्म भर रखे सब अच्छा दहाड़ी मजदूरी करा घराला भी गुजर गया मकान फुड़वा के घेर दिया अच्छा मकान फुड़वा दिया आपका बिल्कुल जी फुड़कुल फुड़वा दिया ये बिल्ला किशन ब्याज ने ठाठा के बढ़ाए से दो कमरे अच्छा या हमारे एग्रीमेंट में फुड़वा दिए जी दर्जी ठाणी हम हमारे फुड़वा दिए पहले तो बोला पैसे देवांगी किस्त आओगी किस्त आओगी वो आई नहीं किस्त जी फिर ऐसे कुकर पड़े रवानू बताओ प्लान करके बनाओ नीम भर के दिखाओ पहले तो लोग आपका कर्जा ले उस नीम खातर फिर वो देवेंगे फिर दोबारा छत लेकर फिर रुपए लेकर छत के पहला मकान की छत थी अब उसको बिल्कुल फोड़ के पहले नीम भरो फिर उसकी फोटो खींचेगी फोटो के करके कर लिया करते फोटो खींचनी है फोटो खींचने ने तो जी कुछ नहीं लिया कुछ नहीं लिया अच्छा फिर तो जी वन बोले पहले नीम भर के दिखाओ पीछे लेकर किसी पे नीम भर के दिखाओगे फिर हम पीछे गिरांगे एक किस्त तीन किस्त बनेंगी एक एक लाख की दो और एक 50,000 अच्छा तो जी एक कमरा एक बात बताओ लाख ढाई लाख में कौन बना देगा ये बना देंगे माते हैं हमने कमरे का ऊपर कमरा बना लिया फोटो खींच लिया सारी बात पीछे नु बोले प्लान तो ऊपर बना रखा प्लान करके बना तो प्लान हमारा तो एक एक कमरा उससे में नाना उससे में खाना उससे में सोना बताओ छोटा कमरा है तक नहीं मिल रहे बता क्या बात है और ऊपर कमरा बनाया उसके 90,000 रुपए सिर हो रहे हैं 6 साल हो गए उसके 90,000 सिर हो गए हां 6 साल हो गए भैया कर्जा में डूबो दिया हमारे हां कर्जा में डूब रहे हैं मैं नुआ हमारा मकान दूंगा अपने रहे दूंगा मकान पड़े रहे है बरसात आओ टपके सारा फार्म भरे थे ना फार्म भरे हमने तो ये 16 में भरे थे 17 मौके होकर रहा है अच्छा। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई को नहीं 50 चक्कर काट लिया कोर्ट में एक नहीं 50 काट लिया 16 में भरे गए थे जी फार्म भरो हम बस जय माता ना फार्म तो भर दिया गया पास भी दिए यानी बोले थे आपका पास और पैसे आवेंगे ऐसे भी बोला है और फिर मैं जी यहाँ पर आई फिर यहाँ आके ननु बोले बोला तेरे चारू नर्दा को बुलाओ और तेरे देवर जेठा को बुलाओ सब आओ सारे किसान होवेंगे रजिस्ट्री पे नु होवेंगे जी नु होवेंगे ऐसे चक्कर कटवाए हमारे जी चिल्ला नाम है भिवानी है वार्ड नंबर 21 है सारा काम है मकान कच्चा है तो टिक मार कर रखा है आवेदक तो लिस्ट है जी हाउसिंग फॉर ऑल की प्रधानमंत्री आवास योजना अभी मतिया तो बंद होगी लागे प्रधानमंत्री आवास योजना अब तो मुख्यमंत्री आवास योजना ताल पड़ी इब जी ये मेरे को क्या पता ये है हमने नहीं पता जी हम तो अनपढ़ आई हमने क्या लिख के दे मेरे क्या नहीं ये अच्छा पहला तो भरे थे बावरी गेट पे सुनो जी आप बंद नहीं की भाई साहब मतलब इस योजना को चुपचाप दबा दिया पहला तो भरे थे हमने बावरी गेट पे अच्छा बावरी गेट पे से फिर भरे हैं हमने कमेटी में अच्छा और फिर हमारे घर आए थे घर पे घर पे भी भरे हमने फोटो खींच के लगे तीन तीन चार चार जगह भर रखे जी हमने नहीं ये पता भाई वे के करे के नहीं करे हम तो जी गुट्ठा टेका हमका ये पता नहीं तो ये शहरी आवास योजना के निकले थे वो भी भर दिए थे उनमें भी कोई नंबर सारी चीज के भर वो भी भर रखे हैं कौन से
शहरी आवास योजना नहीं है, है। हाँ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा प्लाटा के कह रहे वो भी भरे थे। अच्छा प्लाटा के भरे थे, प्लाटा के भी भरे थे। जिन्होंने बोले फिर बोले खाली प्लाट मिलेंगे। अच्छा उनके भी भरे जी हमने। वो भी को मिला, वो भी कौन मिला जी हमने। बहुत से लोग तो है ना, इनको यही नहीं पता योजना कौन सी चल रही है। बहुत से लोग तो यहाँ ऐसे हैं, कोर्ट के आसपास ऐसे बैठे हैं जो गरीब लोगों को भावनाओं से खिलवाड़ करके आज भी जो है ना 500-500 रुपए लेकर फार्म भरने लग रहे हैं कि फार्म लिकड़ रहे हैं। सुनो, और जबकि जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना का भिवाणी के अंदर पोर्टल ही नहीं खुल रहा, लेकिन फिर भी फार्म भरने लग रहे हैं। वो कौन से फार्म भरे हैं ये दुनिया जान। सीएससी वाले, हाँ सीएससी वाले जो ये दुकान खोले बैठे हैं। एक कई एनजीओ वाले बैठे हैं, कई एससी बनाए बैठे हैं मजदूर यूनियन वाले। 500-500 रुपए लेके फार्म भरा है आवास योजना के, लेकिन कौन से भरे हैं भगवान जाने। सरकार की तो योजना है कोई नहीं। अच्छा। कोई 500 ले लिया है जी। हाँ बोल बेटा। देखो मैं हूँ सुमन, भिवाणी से हूँ, दुर्गा कॉलोनी से। मेरे पापा का नाम है धर्मवीर। तो मेरे माँ बापा की डेथ हुई है। ये क्या पंडे के आओगे? चलो बाहर आओ जब। चलो जी, तो प्रशासन ने कहा कि बाहर जाके आप बाइट ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है। चलो जी, थैंक यू। मोदी की यह गारंटी जगह जगह छपी दिखी जाएगी, लेकिन इन लोगों की जो गारंटी है, कृपा गारंटी है, वह जगह जगह दिखे को नहीं। जो आज आम आदमी धक्के खाने को मजबूर है, अगर अंदर जाए तो पुलिस वाले बोल देते हैं कि आप बाहर जाके खड़े हो, ये आपका स्थान नहीं है, ये अधिकारियों का काम करने का स्थल है। आप बाहर आए तो जी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यह है कि मोदी की गारंटी होल्डिंगों की बजाय धरातल पे दिखे तो आम आदमी को पता चले कि सरकार हमारे लिए कितना काम कर रही है। और लेकिन यह है कि अब मोदी की और मनोहर की खट्टर साहब की गारंटी तो होल्डिंगों पे दिखने का काम हो रहा। अब मेरी दो बात पूरी रह गई थी अधूरी, मैं पूरी कर लेता हूँ। संजय भाई कर लू भाई। हाँ जी, ये बोल रही थी मैं भिवाणी से हूँ, सुमन मेरा नाम है, दुर्गा कॉलोनी से, गली नंबर 3 से। तो मैं, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं 2-3 साल की थी जब ये एक्सपायर हो गई थी। तो अब दो भैया हैं, तो वो भी मजदूरी जैसे डेली का काम है, मजदूरी रोज लाते हैं, रोज कमाते हैं। तो मकान में 2-3 बार फोटो खींच के ले गया, फिर भी मकान पूरा नहीं हुआ। पहले बोले नीम भरो, हमने फोड़ तोड़ के नीम भी भरवाई, और अभी ये फोटो वहां भेजे, फिर भी पैसे क्यों नहीं आ रहे? दिक्कत ये ना, फिर भी पैसे क्यों नहीं आ रहे हमारे? नीम भर के भी फोटो लेके गए थे, एक भी किस्त नहीं आई अभी तक। वो जैसा पड़ा हुआ था ना मकान, नीचा भी था, जैसे भी था, वो भी फुटवा के उसमें नीम भरवा के वैसे की वैसे ही पड़ा है। अब ताऊ ताई के पास रह रहे हम, मम्मी पापा है नहीं हमारे। अच्छा, क्या नाम था हमारा? सुमन नाम है मेरा। मकान दुर्गा कॉलोनी में, गली नंबर 3। आप जी, हम भी मकान खतरा रहा जी। अच्छा, आपका केस है? मेरा मकान ने ऊपर किराए में रहा जी, किराए में रहा जी मारा भी। अच्छा। 3 लड़की 1 लड़का है। तो हम भी एक लड़का कमरा में गुजारा कर रहा जी, तुम्हारा तो कुछ आया नहीं, तो फोटो फाटो खींच के ले गए थे, कुछ नहीं आया। हाँ जी ले गए थे, कुछ नहीं। हाँ जी, मेरा नाम सुशीला जी, भिवाणी से, दुर्गा कॉलोनी। हाँ जी, मेरा मकान पास हो रहा है, रजिस्ट्री मांगा है, रजिस्ट्री मेरे ससुर के नाम है जी, हमारा नाम है नहीं जी, और देख जा है, और कुछ कार्रवाई नहीं हो रही जिना। हमने पैसे मिल रहे 500 फूटे, हमारा मकान ढूंगा है और ऊपर से टपक भी रहा जी बारिश से। तो अब क्या लगता है जिस प्रकार से आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, डिशू ज्ञापन दिया जाएगा, तो क्या सोल्यूशन निकलेगा? ऐसा है जी भाई, देखो निकलना ना निकलना तो बात की बात है, लेकिन हम अपनी आवाज ही ना उठाए ये गलत है। मैं तो आपको सही बताऊ की 2023 लास्ट तक जो है ना, मैं कम से कम 10 बार एडीसी ऑफिस में गया हूँ इस योजना के संबंधित इन्फॉर्म करने के लिए भी, आखिर चल क्या रहा है इस योजना पे। लेकिन हर बार जो है डीलिंग एड एक ही बात कहते हैं, नूला भाई इस पे कुछ नहीं चल रहा, नई योजना लॉन्च कर दी है, उसका भी भिवाणी में पोर्टल नहीं खुल रहा। देखो सच्ची बात, यानी भिवाणी वालों के लिए वो भी नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास योजना का पोर्टल नहीं खुल रहा भिवाणी में? नहीं है। अच्छा, और शहरों में कई जगह खुला है, लेकिन वो पूरा होगा या नहीं होगा बाद की बात है, यहाँ तो पोर्टल ही नहीं खुल रहा भिवाणी में। अच्छा, तो क्या माने, इसीलिए ये आवाज हम उठा रहे हैं कि सरकार आम आदमी का मजदूर का काम कर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये दिखाना कुछ और करना कुछ और। अच्छा, ये चीज है, यानी हाथ के दांत खाने और दिखाने कुछ और है, तो इसलिए ये आवाज उठाई जा रही है। कम से कम इन लोगों का जो वादा किया गया था, यानी इनकी भावनाओं से खिलवाड़ है ये। चलो जी, गरीब की भावनाओं से खिलवाड़ है ये। ये मामला चल रहा है भाई, ये मामला है और ये लोग है। अब ये झूठे है, कौन सच्चा है वो तो जी कागजों के आधार पे पता चलेगा, लेकिन ये है की 16-17 से इन्होंने फार्म भरे हुए हैं, 24 आ चुका,
अब वो स्कीम बंद हो चुकी है चालू है पता नहीं, लेकिन मोदी की मनोहर की गारंटी होल्डिंगों की पे ज्यादा दिख रही, धरातल पहले इन लोगों के बीच में नहीं दिख रही। अब ये किस तरह से फार्म बन पाए, किस तरह से बात बन पाएगी, किस तरह से क्या होगा। कई लोगों ने बताया कि हम नीम खोद के पैसे भरे, वो भी ब्याज किस्तों में लेके हमने पैसे लेके आए, अब लोन सिर्फ लोन बैंक को लोन उठा उठा के लाख लाख रुपए देने का काम करा, अब उससे मकान बनाना काम करे। लेकिन ये है कि इन भाजपा सरकार ने इनके घरों से छत कोस लीगा काम किया। जे एन सिन्हो से अजनक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।